जानना था कि मनोविज्ञान एक मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त, जो पता है यानी कि क्लियर जो हमें पता चल जाता है वो व्यक्त है, और जो नहीं पता चलता जैसे कि इनसाइड जो हमारे माइंड में होता है वो अव्यक्त होते हैं, इन दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है? साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है। यहाँ से जो लास्ट का जो सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन है, किसका? तो मानसिक प्रक्रियाओं का, अनुभवों का, व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का। ओवरऑल जो इसका सेंट्रल जो पता चलता है डेफिनेशन से वो ये है कि मनोविज्ञान है बेसिकली हमारे व्यवहार का अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है, यानी कि उसका जो व्यक्त और अव्यक्त जो भी कुछ हम व्यवहार करते हैं उनका क्रमबद्ध और वैज्ञानिक यानी कि सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी है मनोविज्ञान। अब ये कौन से शब्द से बना हुआ है? तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों से, जो दो शब्द हैं, साइके तथा लॉगस से हुई है। अब ये जो साइके शब्द है उसका अर्थ होता है आत्मा, यानी कि जिसको हम माइंड भी समझ सकते हैं, वस्तु मतलब कि थोड़ा अव्यक्त रूप में यदि देखें तो उसको हम मन के रूप में भी समझते हैं, और लॉगस का अर्थ होता है शास्त्र या फिर अध्ययन करना। जैसे हर चीज में देखिए हम कहते हैं ना कि साइकोलॉजी हो गया, जितने भी शब्द होते हैं जिसके लास्ट में लॉगस शब्द से मिलकर के जो बनता है लॉजी, पैथोलॉजी, है ना, इस तरह के जो शब्द होते हैं उसका शास्त्र या फिर अध्ययन उसका मीनिंग होता है। इससे इस प्रकार हम ये जान जाते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान एक साइंस है जिसमें हम क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से मानसिक प्रक्रियाओं का, अनुभवों का, व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा साइकोलॉजी को हमने समझा। अब समझते हैं कि इसका जो आधुनिक जो मनोविज्ञान का जो एक विद्या शाखा के रूप में जो डेवलप हुआ है वो कैसे हुआ है। तो जो पाश्चात्य विकास में इसकी एक बड़ी सीमा तक प्रभावित रहता है, जिसमें ये पहले जो है थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये पहले दर्शन शास्त्र का एक सब्जेक्ट हुआ करता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं मैथ यानी कि गणित जो है, मैथमेटिक्स जो है, वो भी पहले किसके अंतर्गत पढ़ा जाता था? तो फिलोसफी के अंतर्गत, यानी कि जितने भी सारे साइंस जो अलग अलग रूप में जो डेवलप हुए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, वे सभी कहीं ना कहीं शुरुआत में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था, यानी कि दार्शनिकों की विषय वस्तु हुआ करता था जिसपे लोग चिंतन मनन करते थे। साइंस के रूप में वो बाद में डेवलप हुआ जब उस पर प्रैक्टिकल चीजें उसमें होने लगा। तो इसका इतिहास जो है भले ही बहुत ज्यादा लंबा ना हो, मतलब कि ये शुरुआत जो हुआ 18वीं-19वीं शताब्दी से, इसका मतलब कि जो जिस रूप में अभी साइकोलॉजी है उसका प्रादुर्भाव होते हुए देखने को मिलता है, परंतु इसी छोटे से क्रम में काफी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हुआ, काफी ये डेवलप हुआ। ठीक है, तो इसको जो मनोविज्ञान के इतिहास को हम पूरे जो कालखंड को है दो भागों में बांट करके हम आसानी से समझ सकते हैं। पहला तो एक है कि पूर्व वैज्ञानिक काल, यानी कि जिसमें साइंटिफिक मेथड का यूज नहीं हो रहा था, मतलब एक दार्शनिक सब्जेक्ट के रूप में जिसमें हम देखने को मिलता है। धीरे धीरे जब और ज्यादा डेवलप हुआ तो एक ऐसा कालखंड आया कि वो साइंस के रूप में मनोविज्ञान जाना जाने लगा, और वो दूसरा काल जो उसके बाद जो एक उभर करके आता है उसको हम कहेंगे वैज्ञानिक काल। तो एक पूरा कालखंड हम पढ़ेंगे प्री साइंटिफिक पीरियड, मतलब साइंटिफिक पीरियड से पहले का, जो वैज्ञानिक रूप में अभी जो हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं उससे पहले का एक काल समझेंगे, और उसके बाद हम वैज्ञानिक काल के बारे में समझेंगे। तो पूर्व वैज्ञानिक काल में जो महत्वपूर्ण नाम है और उसका जो इतिहास रहा है उसमें क्या है कि पूर्व वैज्ञानिक काल की शुरुआत ग्रीक दार्शनिकों, ये वेस्टर्न साइकोलॉजी के हिसाब से कर रहा हूँ, इंडियन साइकोलॉजी की यहाँ पे अभी बात नहीं कर रहे, वो आगे हम देखेंगे। तो जो पूर्व वैज्ञानिक काल की शुरुआत हुई वो ग्रीक दार्शनिकों, जिसमें कि प्लेटो, अरस्तु, जिसको अरिस्टोटले, हिपोक्रेटस आदि अध्ययनों में एवं विचारों से प्रारंभ होकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, विशेषकर 1878 तक इसमें माना जाता है, जिसमें इसी काल के अंतर्गत हिपोक्रेटस, आवाज जा रही है ना? यस सर, यस सर, तो हिपोक्रेटस ने 400 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट जो 400 है उसमें उन्होंने शरीर गठन की प्रकार का सिद्धांत इन्होंने दिया था। उसके हिसाब से वो कहते थे कि जो भी आदमी व्यवहार करता है उसके बैकग्राउंड में उनकी बॉडी का संरचना जो है, जैसे उसकी खास करके जो ब्रेन की संरचना, इस पर एक ये भी थ्योरी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स, मतलब कि संरचनात्मक जो प्रकार का सिद्धांत है जिसमें कि इसमें जो ये कही बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है, जिसमें आपने कभी कभी सुना होगा कि जो चेहरे देख करके उसके बारे में अनुमान लगाना कि ये व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, उसका IQ लेवल कैसा होगा, मतलब कि जो उसका फिजिकल जो बनावट है उसके हिसाब से अनुमान करने की कोशिश करना
कौन उसके जो इंटेलेक्चुअल या फिर उसके कैरेक्टर या फिर उसके सील गुण जो जितने भी सारी चीजें पर्सनालिटी के हैं उसके शरीर के बनावट के हिसाब से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना, अनुमान लगाने की कोशिश करना, ये पहले शुरू शुरू में इस इन सारी चीजों का प्रतिपादन हुआ था, जिसका प्रभाव आने वाले मनोवैज्ञानिकों पर भी काफी पड़ा। और शेल्डन जो है ने इसने बाद में चल के व्यक्तित्व के वर्गीकरण एक विशेष सिद्धांत जिसे सेमेटोटाइप सिद्धांत कहते हैं का निर्माण किया, जो हिप्पोक्रेटस के विचारों से ही प्रभावित थे। का मतलब ये था कि जो पूर्व वैज्ञानिक काल था, मतलब कि जो हमारा वैज्ञानिक काल शुरू होता है जब विलियम वुंट ने एक लेबोरेटरी स्थापित किया मॉडर्न साइकोलॉजी के जो व्यवहार है, व्यवहार को अध्ययन करने के लिए अलग अलग जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उससे पहले के काल में क्या था, कुछ ग्रीक दार्शनिक जो हुआ करते थे जैसे कि प्लेटो है, अरिस्टो है, हिप्पोक्रेटस है, इन सब के अध्ययनों पर आधारित होता था। और जिसमें जब 400 BC में हिप्पोक्रेटस आए तो उन्होंने शरीर गठन का सिद्धांत जो दिया था, जिसमें होता है कि हमारे जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पे किसी के व्यवहार को कोरिलेट करके समझने की कोशिश करना। कि आप कभी देखेंगे ना नेट में सर्च करेंगे तो काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी आपको समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से यदि किसी का बनावट यानी कि फेस का स्ट्रक्चर, फिर उनका बिहेवियर, उसका कैसा व्यवहार होगा, उसकी IQ लेवल कैसा होगा, ये सारी चीजें इसके बेस पे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते थे। ये काफी लंबा आज का टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। जैसे कि ग्रीक दार्शनिकों जैसे अगस्टाइन तथा थॉमस का विचार था कि मन तथा शरीर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं और इन दोनों में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है। इन दोनों का पहले मान्यता ये था कि जो हमारा शरीर है वो मन मन और शरीर दोनों अलग अलग है और दोनों में कोई संबंध नहीं है। शुरू में ऐसा मतलब कि जब साइकोलॉजी प्री साइंटिफिक टाइम में था ये हमारा, तो उस समय ऐसा विचार माना जाता था, ठीक है। और इसके बाद जो देकार्ते आए, ये जैसे आपने इमेज में इनको देख रहे होंगे, परंतु देकार्ते और लिबनीज ने तथा स्पिनोजा इन्होंने आगे चल के बताया कि सचमुच में मन और शरीर दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इससे पहले जो था अगस्टाइन वो और उनके साथ के थॉमस, वो इनका ये मानना था कि मन और शरीर दोनों अलग अलग है और वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही ग्रीक दार्शनिक जैसे देकार्ते का मत था कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही कुछ विशेष विचार होते हैं जिसे आइडियाज हम जानते हैं, परंतु अन्य दार्शनिक जैसे कि लॉक का मत था कि व्यक्ति जन्म के समय टेबुलर आशा एक कॉन्सेप्ट है जिसके मतलब ये होता है कि एक खाली स्लेट की भांति, मतलब कि बिल्कुल ब्लैंक रहता है, उसमें पहले से कोई विचार नहीं रहता, पहले से उसके कुछ आइडियाज नहीं रहते, बल्कि वो खाली होता है। अर्थात जो टेबुलर आशा होता है उसका मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है और बाद में उसमें नए नए अनुभवों से नए नए विचार उत्पन्न होते हैं और बाद में इस वाद विवाद द्वारा नए संप्रत्यय का जन्म हुआ जिसे मूल प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट की संज्ञा दी गई और ऐसा समझा जाने लगा कि प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या उसकी मूल प्रवृत्ति के रूप में ही हो सकती है। मतलब यहाँ पर दो चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि एक जो देकार्ते का मत था कि जन्म के पूर्व से ही कुछ विचार होते हैं हर व्यक्ति में जो उसका एक इंस्टिंक्ट के रूप में यानी कि उसकी एक आइडियाज रहता है, परंतु कुछ अन्य दार्शनिक थे जैसे कि लॉक, उनका मानना यह था कि जो व्यक्ति होता है जन्म से वो बिल्कुल कोरे कागज की भांति होता है, वो वातावरण में आने के बाद अपने आसपास के परिवेश से उसके अंतर्गत अलग अलग विचार और आइडियाज क्रिएट होते चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो इसमें है, रूसो जैसे दार्शनिकों का कहना था कि मनुष्य जन्म से अच्छे स्वभाव का होता है, जो ये आप यहाँ पे इमेज में इनका हमने ले रखा था, कि रूसो जैसे दार्शनिकों का मत था कि मनुष्य जन्म से अच्छे स्वभाव का होता है परंतु समाज के कटु अनुभव उसके स्वभाव को बुरा बना देते हैं। मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना कि जो आपने कहावत भी सुना होगा कि बचपन जो बच्चा होता है वो भगवान के ज्यादा नजदीक होते हैं, वो जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते क्योंकि वो जन्म से अच्छे व्यवहार करने वाला होता है, परंतु समाज में आने के बाद समाज के कटु अनुभव उसके स्वभाव को बुरा बना देता है, ठीक है। दूसरी तरफ स्पेंसर जैसे दार्शनिकों का मत था कि मनुष्य जन्म में ही कुछ स्वार्थता यानी कि सेल्फिशनेस या आक्रमणशीलता, एग्रेसिवनेस आदि जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। यानी कि यहाँ दो पक्ष आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक तो था रूसो जैसे दार्शनिक जिनका ये मानना था कि जो हमारा जन्म से हम लोग लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्वभावतः अच्छे होते हैं, उसके मतलब वो बुरे नहीं होते, परंतु समाज के जो कटु अनुभव है वो उसको बुरा बना देते हैं। ऐसे ही दूसरा जो दार्शनिक कह रहे हैं उनका मत था जैसे जिसमें जो स्पेंसर था, स्पेंसर के अनुसार ये है कि शुरू से ही वो
मनुष्य जन्म से ही जो स्वार्थपरता होता है, आक्रमणशीलता होता है, ऐसे गुण को लेकर के उत्पन्न हुए होते हैं, परंतु समाज द्वारा उसको हम कंट्रोल करके उसे सभ्य बना लेते हैं। यानी कि एक व्यवहार हो गया जिसमें हम ये कहते हैं कि आदमी पूर्व में सही होता है, नेचुरली वो ठीक रहता है, परंतु समाज उसको बुरा बना देता है। लेकिन दूसरे का ये मानना है कि शुरू में वो बुरा रहता है, परंतु समाज के अनुशासन उसको सभ्य बनाने में योगदान देता है। फलतः व्यक्ति का स्वभाव असामाजिक से सामाजिक हो जाता है। ये दूसरे टाइप के जो हमारे जो साइकोलॉजी दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, जिसका नाम स्पेंसर है, उन्होंने ऐसा प्रतिपादन किया था। अब आता है बात कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दो प्रमुख क्षेत्रों में जो अध्ययन किया गया उसका आधुनिक मनोविज्ञान पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। और पहला क्षेत्र था दर्शन शास्त्र, जिसमें ब्रिटिश दार्शनिकों जैसे कि जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल का योगदान था, जिसमें लोग चेतना तथा उससे उत्पन्न विचारों का अध्ययन करते थे। और दूसरा क्षेत्र था भौतिक क्षेत्र, जिसमें जैव विज्ञान, खास करके जो बायोलॉजिकल साइंसेस था, उसमें ज्ञानेंद्रियों के कार्य के अध्ययन पर अधिक बल दिया गया। मतलब कि जब यहाँ पे थोड़ा बायोलॉजी डेवलप होने लगा था, शरीर रचना क्रिया विज्ञान जिसको हम कहते हैं, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा कि सूक्ष्मदर्शी और ये सारी चीजें जो यंत्र है, आधुनिक यंत्र, वो डेवलप हो गए थे। तो इसलिए मनुष्य के व्यवहार को शरीर की संरचना के साथ में जोड़ पाना ज्यादा साइंटिफिक होने लगा था। तो इसलिए यहाँ पर आप देखिए कि इस समय में, यानी कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जो कुछ दार्शनिक थे, ब्रिटिश दार्शनिक, जिसमें जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल थे, इसमें लोग चेतना तथा उत्पन्न जो चेतना है, यानी हमारी कॉन्शियसनेस है, उससे उससे उत्पन्न विचारों का अध्ययन करते थे। और साथ ही एक दूसरा वर्ग जो उभर के आया, उसमें भौतिक विज्ञान के जो साइंटिस्ट थे और जैव विज्ञान वाले, इसमें इन्होंने ज्ञानेंद्रियों के जो अनुभव है, यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन से जो हम रिसीव करते हैं, उसके माध्यम से उस पर भी उन्होंने प्रैक्टिकल अध्ययन करना शुरू किया। इस क्षेत्र में बेवर और फेकनर का अधिक योगदान रहा है, और उसको हम आगे समझते हैं कैसे है। वैज्ञानिक काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो ये मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल जो शुरू होता है, वो 1869 से शुरू होता है। इसी वर्ष विलियम मोंट, जो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर कहे जाते हैं, उन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में ही मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, यानी कि मॉडर्न जो लेबोरेटरी है, उसको ओपन किया, उसका स्थापना किया। और वुंट ने सचेतन अनुभव, यानी कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस के अध्ययन में रुचि ले रहे थे उनके, और उनका जो था जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उसमें वो बहुत सारे जो मन के अवयव अथवा निर्माण की जो इकाइयां हैं, उनके ऊपर विश्लेषण करना चाहते थे कि हमारा मन किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, और वो कैसे आपस में एक्ट करता है, कैसे वो व्यवहार करता है, तो उसका वो एनालिसिस करना चाहता था। वुंट के समय ही मनोवैज्ञानिक अंतर्निरीक्षण, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए इन्हें संरचनावादी कहा गया। अब ये क्या है कि ये पहली बार इन्होंने एक प्रैक्टिकल एक लेबोरेटरी स्टेब्लिश किया, और उसके आधार पे, लेबोरेटरी में प्रयोग के आधार पे, वो इन्होंने ये देखने की कोशिश किया कि जो हमारी मन का जो संरचना है, वो कैसे आपस में, उसके आधार पर, उसके बेसिस पे कैसा हमारा व्यवहार देखने को मिलता है और कैसे रेगुलेट होता है। तो इसलिए इस प्रकार के जो स्कूल हैं, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, इसको संरचनावादी यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म कहा गया। अंतर्निरीक्षण की एक प्रक्रिया थी जिसमें प्रयोज्यों से मनोवैज्ञानिक प्रयोग इस जिसमें प्रयोज्यों से मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कहा गया था कि अपनी मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा, यानी कि जो हमारे जो मेंटल प्रोसेस चलते हैं अथवा जो भी कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसका इसमें विस्तार से अनुभव करें, जिसमें वो जो सब्जेक्ट्स वो जिसपे वो एक्सपेरिमेंट करते थे, उन उनसे वो पूछा जाता था अपने सब्जेक्ट से कि आप जो मानसिक प्रक्रियाओं में जो आप अनुभव कर रहे हैं, आपके अंदर जो जो घटित हो रहा है, उसको आप हमें विस्तार से बताइए। फिर उन सभी प्रयोज्यों का जो अनुभव था, उसको एक साथ लेकर के और एनालाइज करता था कि एक पार्टिकुलर एक स्टिमुलेशन को लेकर के सभी के अनुभव किन किन तरह से, किन किन चरणों से होकर के गुजर रहा है। ठीक है, तो मनोविज्ञान का जो विकास हुआ, वो विभिन्न स्कूल में कैसे हुआ, और उन स्कूलों पर विंट के जो मनोविज्ञान का क्या प्रभाव पड़ा। मनोविज्ञान के ऐसे पांच प्रमुख स्कूल है जिसको हम आगे समझेंगे कि ये जो यहाँ से जो शुरुआत हुई एक साइंटिफिक एक साइकोलॉजी की, विलियम वुंट के 1879, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, जहाँ जिसमें उन्होंने एक मॉडर्न लैब की वहाँ पे स्टेब्लिश किया, लेबोरेटरी स्थापित किया, साइकोलॉजी के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से अध्ययन करने के लिए, यहाँ से एक साइकोलॉजी के क्षेत्र में अलग अलग स्कूल स्टेब्लिश होना शुरू हुआ, अलग अलग सिद्धांतों को लेकर के, जो जो मनोविज्ञान में व्यवहार के अध्ययन करने के लिए अलग अलग विशेष सिद्धांत जो समझते थे, जैसा प्रतिपादन लोगों ने किया, उनमें से पांच प्रमुख स्कूल है जिसको हम आगे समझते हैं।
जो आपके टॉपिक में आ जाते हैं, मतलब कि नेट के भी सिलेबस में भी है, और उसको समझना ज्यादा जरूरी है क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं संरचनावाद। संरचनावाद जिसे अन्य नामों जैसे कि अंतर्निरीक्षणवाद, इंट्रोस्पेक्शनिज्म अथवा अस्तित्ववाद से भी जाना जाता है। इस जो संरचनावाद जो स्कूल है उसको विलियम उंट के शिष्य टीचेनर द्वारा अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में 1892 में प्रारंभ किया गया था। ईबी टीचेनर जो था, इन्होंने अपना एक अमेरिका में कार्नेल विश्वविद्यालय में 1892 में एक स्कूल जो प्रारंभ किया साइकोलॉजी के अध्ययन का, जिसका नाम इन्होंने दिया स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद, जिसमें इसके अनुसार इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो चेतन अनुभूति थी, यानी कि जो हम कॉन्शियस जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं सचेतन रूप में, वो मनोविज्ञान की मुख्य विषय वस्तु है। टीचेनर ने चेतना तथा मन में अंतर किया। पहली बार यहाँ पे दो चीजें फिर उभर करके सामने आया कि मन जो है वही चेतना का मूल आधार नहीं है, बल्कि मन और चेतना दो अलग अलग चीजें हैं। अभी तक तो इससे पहले क्या था कि लोगों में ये साइकोलॉजिस्ट में ये अलग अलग विचार बनते थे कि मन और शरीर दोनों अलग चीज है या फिर शरीर का ही कोई एक पार्ट मन है। तो यहाँ पर पहले तो ये एस्टेब्लिश हुआ कि मन और शरीर दोनों अलग अलग है। पूर्व में ये धारणा था कि मन और शरीर दोनों अलग अलग है और दोनों में कोई संबंध नहीं है। बाद में मनोवैज्ञानिकों का ये विचार आया कि मन और शरीर दोनों अलग अलग है परंतु दोनों में गहरा संबंध है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ईबी टीचेनर ने चेतना तथा मन में अंतर किया, और उसमें चेतना से उनका तात्पर्य उन सभी अनुभवों से था जो व्यक्ति में एक दिए हुए क्षण में उपस्थित होता है। मतलब कि यदि अभी जो ये पार्टिकुलर जो सेकेंड आपके साथ जो बीत रहा है, इस जो क्षण में आप जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वो हमारा चेतना है, मतलब हम उस समय से उस सजग अवस्था में हैं, उसको उन्होंने चेतना के रूप में कहा कि दिए हुए एक क्षण में जो कुछ भी हमें उपस्थित अनुभव होते हैं वो हमारा चेतना कहलाता है, जबकि मन से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से होता है जो व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होते हैं। मतलब कि हमारे प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उन सभी एक्सपीरियंस को मन के साथ हमने इन्वॉल्व कर दिया, और बाकी जो अभी अभी जो तुरंत हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, इंस्टेंटली जो पार्टिकुलर इस सेकेंड में जो हम अनुभव कर रहे हैं वो हमारी चेतना है। जैसे कहते हैं ना कि हम चेतन है या नहीं है, मतलब अभी का जो करंट सिचुएशन है हम उसको अनुभव कर पा रहे हैं या नहीं, बल्कि मन में क्या होता है पुरानी भी यादें होती हैं और जो अभी हो रहा है वो भी मन को प्रेषित हो जाता है। टीचेनर के अनुसार चेतना के तीन तत्व होते हैं। पहला है, ये इंपॉर्टेंट आप इसको ध्यान रख सकते हैं, पहला है संवेदन जिसको सेंसेशन कहते हैं, मतलब कोई भी चीज को जो हमारे फर्स्ट हमारे जो कॉन्टेक्ट में आता है हम उसको अपने सेंस ऑर्गेन है उसके माध्यम से उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, बाद में होता है उसका भाव या अनुराग, मतलब कि उसको हम फील करते हैं जब वो हम, पहली बात तो है कि हमारे टच में आया, चाहे वो यदि दृश्य है तो वो दृश्य भी, साउंड है तो वो साउंड भी हमारे कॉन्टेक्ट में आया, और यदि स्पर्श है किसी भी प्रकार का तो वो भी हमारे टच में आया। तो ये सब क्या है, पहला सेंसेशन हुआ यानी कि वो हमारे इंद्रियों का उससे संपर्क होना जरूरी है कोई भी अनुभव के लिए। पहला चीज था सेंसेशन, दूसरा है उसकी अनुभूति यानी कि जो कुछ भी हमारे इंद्रियों ने एक्सेप्ट किया जो ग्रहण किया वो हमारे ब्रेन तक पहुंचे उसका मैसेज, और हम फिर उसको अनुभूति करेंगे। तो अनुभूति करते हैं तो फिर हमारा उसमें क्या होता है, अनुराग होता है, मतलब हम उससे अटैच होते हैं। और तीसरा जो अंतिम है वो है प्रतिमा, इमेज, यानी कि जैसे जो भी कुछ हमने अनुभव किया है उसका एक इमेज बनना माइंड में, एक एक कोई अर्थ अर्थ अभिव्यक्ति हो जाना, वो अब इमेज के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए अभी हम कहते हैं तालाब, तो ये तालाब जो होते हैं तो इसको जब हम सुनते हैं तो वो हमारे ब्रेन तक जाता है और एक इमेज बन करके उभरता है जो एक जलाशय टाइप का जिसमें पानी भरा हुआ। तो ऐसा जो पहला जो सेंसेशन हुआ यानी कि जो कर्णेंद्रियों ने वो ब्रेन उसका एक इमेज उभर आया। ठीक, तो ये तीन चीज होना है कि कोई भी अनुभूति के लिए तीन चीज होता है, पहला सेंसेशन होता है, फीलिंग है दूसरा, और तीसरा उसका इमेज बन। टीचेनर ने अंतर निरीक्षण को मनोविज्ञान की प्रमुख विधि माना कि इसी यही एक मेथड है जिसके माध्यम से हम मनुष्य के व्यवहारों को और जीव जंतुओं के व्यवहारों को अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा है प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म को, इसकी स्थापना अनौपचारिक ढंग से विलियम जेम्स ने किया था, और ये विलियम जेम्स ने 18 में अपनी एक पुस्तक लिखा जिसका शीर्षक था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और उनका मानना था कि मनोविज्ञान का संबंध इस बात से है कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करता है, व्हाई एंड हाउ द कॉन्शियसनेस फंक्शंस। मतलब कि इनका ये ज्यादा जोर था इस बात पे कि
कि मतलब विज्ञान का ज्यादातर रिलेशन इस बात से होता है कि चेतना क्यों और कैसे काम करता है, ना कि सिर्फ इस बात पर कि चेतना के कौन कौन से तत्व हैं। जैसे कि जो इन्होंने जो ईबीटी चेनर था, उन्होंने कहा था कि हमारा जो कुछ भी चेतना को अध्ययन करना है वो किससे करना है, उनके स्ट्रक्चर पे वो कैसे बना हुआ है, उनके कौन कौन से तत्व हैं और किस प्रकार से काम करते हैं। परंतु यहाँ पर जो दूसरे जो ये विलियम जेम्स इन्होंने जो प्रतिपादन किया प्रकार्यवाद में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये संरचना पे फोकस नहीं करते बल्कि ये कार्य पे फोकस करते हैं कि कोई भी जो हमारा चेतना है, जो भी हमारी अनुभूति की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से फंक्शन करता है, उनके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इन चीजों पर इनका फोकस होना चाहिए। यानी कि हमारे व्यवहार के अध्ययन के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे चेतना काम कैसे करता है इसको समझना, न कि उसके स्ट्रक्चर को समझना। ठीक है, अतः जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु तो चेतना अवश्य थी, परंतु उन्होंने उसमें चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता यानी कि फंक्शनल यूटिलिटी पर अधिक बल डाला। इसलिए इसका जो ये जो स्कूल है मनोविज्ञान का, इसको कार्यवाद या फिर प्रकार्यवाद के नाम से इसको जाना गया। नेक्स्ट जो तीसरा जो इसके उससे पहले थोड़ा एक चीज और जान लेते हैं कि इसमें इसमें और भी कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम आते हैं, जिसमें औपचारिक स्थापना जो उन्होंने की उसके बाद औपचारिक स्थापना के संस्थापक के रूप में डीवी और एंजिल तथा कार को जाना जाता है, जो प्रकार्यवाद के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानसिक प्रक्रियाओं या कार्य के अध्ययन से होता है, ना कि चेतना के अध्ययन से होता है। यही सेम चीजें इन सभी ने भी माना, जो इनके इसी स्कूल के माने जाते हैं, जिसमें है डीवी, एंजिल और कार्ल। ठीक है, ये तीन और साइकोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है, तीसरा जो स्कूल है मनोविज्ञान के जो इतिहास में, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जानना भी बहुत जरूरी है, व्यवहारवाद, जिसको बिहेवियरिज्म कहते हैं। तो ये जो है वाटसन, जेबी वाटसन को माना जाता है इसका संस्थापक, और इन्होंने 1913 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। उनका मानना था कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान होना चाहिए और होता है, अतः इसकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकता है, चेतना नहीं। इन्होंने कहा कि जब मनोविज्ञान एक साइंस है तो उसमें ऑब्जेक्टिव का गुण होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता का गुण होना चाहिए और उसमें प्रयोग का गुण भी होना चाहिए, यानी कि एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उसे हमें प्रयोग करके व्यवहार को समझने की कोशिश करना चाहिए, चेतना के आधार पर नहीं। क्योंकि व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक ढंग से किया जा सकता है, चेतना का नहीं, क्योंकि चेतना का हम प्रैक्टिकली अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने जो व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। ठीक है, वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स को जन्म दिया। मतलब जो कुछ भी हमारे सामने आता है, जिसको हम देखते हैं, जिसके वजह से हमारा व्यवहार स्टार्ट होता है, वो उसको हम स्टिमुलस समझते हैं, यानी कि उद्दीपक। जैसे मान लीजिए मेरे सामने यदि कोई कोई जंतु आता है, कोई जीव आता है, यदि हम उसे देख करके जो बिहेव करते हैं उसके वजह से, तो वो हमें स्टिमुलेट करने वाला एक माध्यम हुआ, एक प्रेरक तत्व हुआ। तो उसके इन्होंने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। स्टिमुलस रिस्पॉन्स के रूप में इन्होंने उसका जन्म दिया, जिसका नाम है, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे डॉग है, जिसके सामने यदि हम एक नेचुरल कंडीशनिंग जो होती है कोई भी जीव जंतुओं के बीच में, कि आप किसी डॉग को यदि आप कुछ खाने के लिए देंगे तो उसके मुंह में लार सिक्रेट होगा। मतलब कि चूंकि वो खाना उसके लिए पहले से पता है, उसको उसके माइंड में पहले से पता है कि ये हमारे खाने का चीज है, तो ये तो नेचुरल कंडीशनिंग है उसके साथ। परंतु आप यदि दूसरा हम उसमें उसी डॉग के सामने यदि घंटी बजाएं, तो क्या वो लार सिक्रेट करेगा या फिर कुछ रिस्पॉन्स करेगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, क्योंकि इसके साथ इसका कोई कंडीशनिंग नहीं है, कोई इसका रिलेशन नहीं है। परंतु यदि वही हम ऐसा करते हैं तीसरे स्टेज में, कि यदि हम उसमें कंडीशनिंग करते हैं कि भोजन देने से पहले हम घंटी बजाते हैं और फिर भोजन देते हैं, तो कुछ समय तक देखेंगे कि वो घंटी बजाने समय लार तो सिक्रेट नहीं करता, परंतु भोजन देने के समय, यदि 1-2 सेकंड के बाद हम भोजन देते हैं, 3-4 सेकंड के बाद, तो वो धीरे धीरे ये समझ जाता है, ये डॉग जो है वो ये उसके माइंड में कंडीशनिंग हो जाती है कि यदि बेल बजा है तो अब भोजन आने वाला है। तो नेक्स्ट टाइम में अब कंडीशन सिचुएशन में ऐसा होगा कि यदि हम केवल घंटी बजा दें और भोजन ना भी दें, तब भी इनके मुंह में लार सिक्रेट हो जाता है। तो ये क्या था, इन्होंने एक व्यवहार को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल किया कि किस प्रकार से आदमी का जो व्यवहार होता है वो स्टिमुलस के साथ अनुक्रिया जो करने का जो व्यवहार है वो उसके उद्दीपक के साथ रिलेट हो जाता है, मतलब उसके साथ कंडीशनिंग हो जाती है। ठीक है,
तो इसीलिए वाटसन ने अंतर निरीक्षण को मनोविज्ञान की विधि के रूप में अस्वीकृत किया और उन्हें मनोविज्ञान की चार विधियां उन्होंने बताई, जिनमें था प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन, अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग, और परीक्षण यानी कि टेस्टिंग, और शाब्दिक रिपोर्ट यानी कि वर्बल रिपोर्ट का इन्होंने प्रतिपादन किया। तो यहाँ पे आप थोड़ा ये समझ रहे होंगे कि जितने भी अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने जो पूर्व के जो साइकोलॉजिस्ट के जो मनोवैज्ञानिकों के जो सिद्धांत थे, उनमें जो कुछ उन्हें लगा कि ये पूरा अच्छे तरीके से मनोविज्ञान को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकता हर एक व्यवहार को, तो उन्होंने एक अपना एक नया आयाम उन्होंने जोड़ने की कोशिश की और बताया कि ये किस प्रकार से पहले जो पुराने जो सिद्धांत थे वो ज्यादा कैपेबल नहीं है मनुष्य के व्यवहार को डिफाइन करने में, खास करके साइंटिफिकली मतलब कि वैज्ञानिक रूप से। जैसे इन्होंने कहा ना कि जो मनोविज्ञान है एक वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और प्रयोगात्मक होना चाहिए। तो चूंकि चेतना का हम प्रयोग करके नहीं देख सकते, व्यवहार को हम लेकिन देख सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चौथा है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है। एक मिनट, ये जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है, इसका जो इस स्कूल की जो स्थापना किया था वो मैक्स वर्डाइमर ने किया था, और ये 1912 आने के आप डेट यदि देखेंगे थोड़ा लास्ट में हम इसका पूरा एक टाइम टेबल दे देंगे, मतलब एक तरीके से सीक्वेंस में इसका लिस्ट दे देंगे कब कौन सा इंसिडेंट हुआ था। तो कोहलर भी इनमें आता है कि गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी है स्कूल है इसकी स्थापना वर्डाइमर ने किया 1912 में, और कोहलर तथा कोफा जो है इस स्कूल के सह संस्थापक मतलब को फाउंडर्स थे। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि गेस्टाल्ट एक्चुअली है क्या। तो यह एक जर्मन शब्द है जिसका हिंदी में रूपांतरण होता है आकृति या फिर फॉर्म, मतलब कि किस स्ट्रक्चर में है, किस फॉर्म में है, वो गेस्टाल्ट है उसका मतलब। ठीक है, तो इसमें क्या हम देखते हैं कि जो कुछ भी गेस्टाल्ट जो होता है हिंदी में हम इसको आकृति यदि समझते हैं, तो उसका आकार या फिर समाकृति से कॉन्फिग्रेशन से हम इसको समझ सकते हैं। इसका मानना ऐसे जो इस स्कूल के जो साइकोलॉजिस्ट है उनका ये मानना है कि जो मनोविज्ञान है वो मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है, मतलब जो कुछ भी हम देखते हैं वो एक यूनिट में यदि देखते हैं तो उसका एक अलग अर्थ होता है, यदि उसी को हम कंबाइंड रूप में समग्र रूप में देखें तो वो अलग अर्थ वाला हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इस इमेज में, जैसे यहाँ पे ये थ्योरी आपका देखा लिखा हुआ दिख रहा होगा कि द होल इज डिफरेंट देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, जो इसके जो पार्ट है उनके जोड़ से, उनके जो इंडिविजुअल का जो जोड़ करके हम देखेंगे पूरा टोटल, तो वो यूनिट से डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ देखिए छोटे छोटे बिंदु है, आपस में ये छोटे छोटे सर्किल है, लेकिन जब एक साथ यदि हम उसको रख देते हैं तो वो एक अलग डायग्राम बनाता है, उसका मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहाँ पे ये देखिए, यदि इसी डायग्राम को हमने कलर कर दिया तो अलग अलग सर्किल यहाँ पे नहीं रह जाता बल्कि एक अलग अलग एक वो बन जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसका जो है, जैसे आप यहाँ पे सारे डायग्राम देख रहे होंगे कि इंडिविजुअल जो पार्ट पार्ट डायग्राम था उसका यहाँ पे मतलब नहीं रहता, वो फिर एक गेस्टाल्ट एक मतलब कि पूरा ये जो है पूरा के ओवरऑल का जो गेस्चर है उसके हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलता है। आप जैसे एक एक डायग्राम यहाँ पे देखिए, ये वाला डायग्राम आप देखिए पूरा का, इसमें यहाँ पे देख रहा होगा दो चीजें यहाँ पे फिगर में देखने को मिल रहा होगा कि यदि इसको गौर से देखेंगे तो एक तो ऐसा लगेगा कि टाइम वाला जो डिवाइस होता है जिसमें समय को पुराने समय में जो चेक करने के लिए रखता था वैसा डमरू टाइप का एक रखा हुआ या फिर कप शेप में दिख रहा होगा ब्लैक में, परंतु यदि इसको और ध्यान से देखें तो दोनों साइड व्हाइट में जो है दो फेस नजर आ रहा होगा, है ना। तो ऐसे ही जो भी कुछ इमेज होता है इसमें गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का जो ये आधार है उसका ये है कि जो समग्र जो होता है उसके इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है, मतलब यही है द होल इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्ट, जो इसके पार्ट हैं उसके उससे उसका जो भाव होता है उसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि ये एक और इमेज है, यहाँ पे यदि इस इमेज में आप देखेंगे तो इस वाले पोर्शन को देखने पे तो आपको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक यहाँ पे बिल्कुल यंग दिख रही होगी, परंतु यदि हो सके तो आप ये देखिए यदि इसको आप नोज समझे, ये वाला जो पार्ट है जो ठुड्डी जिसमें दिख रहा है उसको नोज समझिए, और ये जो यहाँ पे जो कट का मार्क है इसको आप माउथ समझिए, फिर आप देखेंगे कि ये 60 ईयर ओल्ड दिख रहा होगा। ये मतलब क्या है, ये 60 ईयर ओल्ड लेडी का इमेज आपको इसी इमेज में दिख रहा होगा, यानी कि दो चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये था हमारा गेस्टाल्ट
मनोविज्ञान का। अब लास्टली जो हम जो 5th नंबर पे पढ़ेंगे वो साइको एनालिसिस वाले, जो हमारा मनोविज्ञान का एक थ्योरी है, एक स्कूल है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका जो संस्थापक है वो सिगमंड फ्रायड है, जो इस स्कूल के संस्थापक है। फ्रायड ने अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण माना गया है, और इन्होंने इसी तरह के सभी जो असामान्य व्यवहार हैं उसका कारण इसी जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड है, अचेतन माइंड है, उसको माना है कि जो भी कुछ हमारे जो एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं उसका जो कारण कौन होता है, वो अचेतन होता है। ठीक है, अचेतन के बारे में बताया गया है कि इनकी अनेक विधियां हैं जिनमें मुक्त सहचार्य विधि यानी कि फ्री एसोसिएशन मेथड होते हैं, सम्मोहन यानी कि हाइप्नोसिस तथा स्वप्न की व्याख्या होती है जिसमें ड्रीम इंटरप्रिटेशन सम्मिलित होते हैं। इनका ओवरऑल जो मानना है, जिसमें आप यहाँ पे एक डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे जो 3 प्रकार के जो आप एग्जाम में खास करके नेट में पूछा गया था कि इड, ईगो, सुपर ईगो, ये जो कंसेप्ट है ये किसने दिया है, तो ये किसने दिया है, तो ये मनोविश्लेषणवाद का जो स्कूल है साइकोलॉजी का, उसके संस्थापक सिगमंड फ्राइड का है। ठीक है, ये नेट में प्रश्न आ चुका है। तो इड क्या होता है? इड ये होता है कि जो भी कुछ हमें अच्छा लगता है उसको हम व्यवहार करना चाहते हैं, भले ही उसका तर्कपूर्ण व्याख्या हो या ना हो, लॉजिकल हो या ना हो। जैसे बच्चे ऐसा करते हैं कि यदि खिलौना खाने योग्य हो या ना हो, वो खाने की कोशिश करते हैं, उसमें ईड ज्यादा हावी होता है। जो चीज खाने का है वो भी, जो नहीं खाने का है वो भी, वो खाने की कोशिश करता है। ईगो जो होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा लॉजिकल होता है, जो जिसमें हम थोड़ा जब बड़ा हो जाते हैं तो अपने ईगो के हिसाब से व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, हर वो चीज जो लॉजिकल होता है उसको हम पाने की कोशिश करते हैं। परंतु ये जरूरी नहीं है कि लॉजिकली सही होने के बावजूद भी हम उस व्यवहार को हमें करने का अलाव दिया जाए, क्योंकि कुछ हमारे सामाजिक नियम होते हैं, एथिक्स होते हैं, तो उस चीज को कंट्रोल कौन करता है? तो वो उस चीज को कंट्रोल करता है सुपर ईगो, मतलब कि जिसको नैतिक वाला माना जाता है कि ईगो से ऊपर जो उस चीज को कंट्रोल करता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो अधिकार के लिए, हम तो कहते हैं कि हमें भी उतना अधिकार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति का पूरा एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता, तो ऐसे में जो सुपर ईगो होता है वो उस व्यवहार को कंट्रोल करता है, वो कहता है कि नहीं, हमारा इतना अधिकार तो बनता है लेकिन हमारे सामाजिक दायित्व भी हैं, इस वजह से ईगो को वो कंट्रोल करता है, यानी कि जो ईगो बलवती होता है उस व्यवहार करने को उसे रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे इस डायग्राम में, इड कहता है आई वॉन्ट टू डू दैट नाउ, मुझे वो चीज करना है जो हमें चाहिए, मतलब ये पूरा शरीर पर आधारित होता है एक तरीके से, इसमें लॉजिक नहीं यूज करता जैसे कि चाइल्डिश जो बिहेवियर होते हैं, जैसे कि हमें खिलौना चाहिए तो चाहिए, फिर वो ये नहीं देखेंगे कि आप कहाँ हैं, कैसी परिस्थिति में हैं, पैसे हैं या नहीं है, खिलौना मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। और दूसरा जो ईगो होता है वो, उसका ये मानना होता है कि मे बी वी कैन कंप्रोमाइज, मतलब हमें चाहिए परंतु हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लॉजिकली यदि उसे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो उसको कंप्रोमाइज करने के लिए एग्री भी हो जाता है। परंतु सुपर ईगो जो होता है वो क्या करता है, इट इज नॉट राइट टू डू दैट, यहाँ पर ये चीजें उसे समझ में आ जाता है कि यदि ये चीज नहीं करना सही है तो वो नहीं करता है, वो फिर क्या करता है, ईगो को प्रेस कर देता है, ईगो को संतुष्ट कर देता है कि ये चीज सही नहीं है, इसको नहीं करना है, तो मान जाता है कि ठीक है भाई हमें नहीं चाहिए, ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे घर के वातावरण के अकॉर्डिंगली या फिर हमारे जो स्थिति है इकोनॉमिकल उसके अकॉर्डिंगली ये ठीक नहीं है, इस प्रकार की लॉजिकल सही होने के बावजूद भी हमें ये चीज नहीं चाहिए, हम इसको कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो वो सुपर ईगो से वो सभ्य बना रहता है, वो नैतिक नियमों का पालन करता है और अपने अधिकारों का त्याग भी कर सकता है। ठीक है, जो ईगो अब अपने अपने अधिकारों के लिए जो लड़ता है उसको ईगो यहाँ को यहाँ सेटिस्फाई कौन करता है, तो ईगो को सेटिस्फाई करता है, कंट्रोल करता है सुपर ईगो। ठीक है, तो इन तीनों में यदि अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए, इस पे यदि बैलेंस ना रहे, तो आदमी का जो मनुष्य जो होते हैं उसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है। और यदि जैसे कहते हैं ना किसी का ईगो हर्ट हो जाए तो वो भी अजीब तरह का व्यवहार करेगा, और यदि कोई आदमी बहुत ही ज्यादा सुपर ईगो में रहता है तो वो भी हमेशा जैसे कहते हैं ना लॉजिक से जो नहीं समझ पाएगा उनके व्यवहार को, फिर क्योंकि वो सुपर ईगो से बहुत ज्यादा नैतिक भाव में रहता है, और हमेशा उस व्यवहार में जब रहेगा तो भी वो समाज में उसे एग्जिस्ट करने में, समाज में उसे बैलेंस रखने में, समाज में उसे एडजस्टमेंट में दिक्कत आएगी, क्योंकि लोग फिर उनके फायदा उठाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा, ये 5 जो हमारे अलग अलग जो स्कूल थे साइकोलॉजी के, उसको समझना जरूरी था। अब जब हम समझते हैं लास्ट में कि जो आधुनिक मनोविज्ञान के जो विकास के जो प्रमुख घटनाएं हैं वो किस किस सिक्वेंस में हुआ, क्योंकि अभी तक जो हमने डिटेल में पढ़ते चले गए वो तो हमने साइकोलॉजिस्ट के जो अलग अलग विचार, जो अलग अलग, जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि जो प्री साइंटिफिक पीरियड था, मतलब कि जो विज्ञान के पूर्व का जो समय था, यानी कि जिसमें हमारे आधुनिक विज्ञान के आधार पर साइकोलॉजी को नहीं समझा जाता था, उससे पूर्व के समय में क्या था कि
बनावट के हिसाब से और अन्य कोई दार्शनिक नियमों के हिसाब से मनोविज्ञान को समझा जाता था, परंतु बाद में कुछ चीजें जो प्रैक्टिकली साइकोलॉजी में अध्ययन की शुरुआत हुई वो दो चीजें हमने जाना, लेकिन उसमें भी कई सारी घटनाक्रम सम्मिलित हो गया है। तो उसको एक हम सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजिकल वे में, यानी कि समय का जो घटनाक्रम है उसके हिसाब से यहाँ पे हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यदि कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा उसको समझ सकेंगे, एक लिंक करके समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है कि 1879 है, यानी कि 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्सिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की, तो ये एक इम्पोर्टेंट डेट हो जाता है 1879। और फिर यही 1890 यानी कि लगभग 11 साल बाद विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक अपनी प्रकाशित की। ठीक है, फिर 1895 यानी कि 5 साल बाद, 5 साल बाद मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकार्यवाद का स्थापना हुआ। और 1900 में जो इससे पहले थोड़ा था, मतलब इसके बाद ही 5 साल बाद सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। 1904 में पेवलो का एक जो बहुत ही फेमस प्रयोग है, इवन पेवलो का, जिन्होंने पाचन व्यवस्था के कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार इसको दिया गया, जिससे अनुक्रियाओं के विकास का सिद्धांत को समझाया जा सकता है। 1905 में बीने एवं शायमन द्वारा बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया। ऐसे ही 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में, जो इंडिया में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला। 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ और 1922 में मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित किया गया। ये इसका टाइम पीरियड है। आप 1924 में देखेंगे तो भारतीय मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना हुई 1924 में। फिर जे बी वाटसन ने व्यवहारवाद नामक पुस्तक लिखा जिसमें व्यवहारवाद की नींव पड़ी। तो ये कब पढ़ा था, तो 1924 में, ये आप यहाँ पे डेट याद रख सकते हैं। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना हुई वो 1928 में, जो नरेंद्र नाथ सेनगुप्त जो हैं, इन्होंने राधाकांत मुखर्जी के जो दोनों मिल करके इन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी। और इसके साथ ही डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में मनोवैज्ञानिक शोधखंड की स्थापना हुई, जो 1949 ईस्वी में हुआ था। तो ये इंडिया में कैसे जो साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी वो डेवलप हुआ, ये आप देख सकते हैं। 1949 में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन हुआ। इससे पहले जो है भारतीय मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना 1924 में हो गया था। ठीक है, कलकत्ता में सबसे पहले 1916 में विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम जो विभाग खुला था। हम देखते हैं कि कैसे क्रम से मनोविज्ञान का जो मॉडर्न साइकोलॉजी का वो डेवलपमेंट होता गया। और लास्टली 1951 जो मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की अपनी पुस्तक को। और इसके बाद जो अब देखते हैं कि अभी जो 2000 मतलब ये 20वीं 21वीं शताब्दी तक कैसे मनोविज्ञान का डेवलपमेंट हुआ, तो 1953 में बी एफ स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित की, जिसमें व्यवहारवाद को मनोविज्ञान के एक प्रमुख उपागम के रूप में बढ़ावा मिला। 1954 में जो मानववादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मेस्लो ने उसमें किया है, उसने लिखा जो मोटिवेशनल एंड पर्सनालिटी प्रकाशित की, इनकी पुस्तक है, आप इसको स्लाइड में आप बाद में भी देख सकते हैं। 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई, यानी कि जो पहले सबसे पहले 1916 में कलकत्ता में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना हुई, 1954 में फिर इलाहाबाद में भी हो गई, और 1955 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की स्थापना की गई। ऐसे ही 1962 में रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज की स्थापना की गई। 1973 में जो 173 में कॉनराल लॉरेंस तथा निको टीन बर्गेन को उनके कार्य पशु व्यवहार की जाति विशेषता के अंतर्निर्मित शैली को बिना किसी पूर्व अनुभव अथवा अधिगम के आधार पे जो उन्होंने अध्ययन किया उसके लिए उसके नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1978 में निर्णयन पर किए गए कार्य के लिए हार्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 1981 में डेविड ह्यूबल और टारसन विसल की मस्तिष्क की दृष्टि कोशिकाओं पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, यानी कि किस प्रकार से हमारा जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क जो होते हैं, वो कैसे दृष्टि कोशिकाओं पर दृष्टि कोशिकाएं जो जिस विजुअल सेल जो है जिसकी वजह से हम देखते हैं, इन दोनों के बीच किस प्रकार से हमारा माइंड यानी कि हमारा मन, हमारी जो दिमाग है वो किस प्रकार से कार्य करता है, इस पे इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज किया, तो उसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। रोजर स्पेरी को मस्तिष्क विच्छेद अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया 1981 में ही। और 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना की गई, ये भी एक महत्वपूर्ण ईयर है। और 1997 में गांव हरियाणा नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई।
2002 में अनिश्चितता में मानव निर्णयन के अनुसंधान पर डेनियन कहमेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये था हमारा 2002 तक का। और 2005 में आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद की समझ में खेल सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए जो थॉमस शेलिंग है इसको भी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा ये था कि आधुनिक जो मनोविज्ञान जो हमने अभी पढ़ा वो उसका जो इतिहास है वो किस प्रकार से प्राचीन काल से अब तक डेवलप होते हुए यहाँ तक आया। ठीक है, तो आज की जो क्लास था वो यहाँ पर ये यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका कि जो मनोविज्ञान का इतिहास है वो किस प्रकार से अलग अलग चरणों से होता हुआ यहाँ पर जो आधुनिक मनोविज्ञान के रूप में हम देखते हैं एक साइंस के रूप में देखते हैं वो कैसे यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो यदि आपके आप सभी का इसके में कोई प्रश्न हो तो आप बताइए, पूछ सकते हैं आप। सर, इसकी बुक बुक का बुक मिल सकती है?